पवित्र ग्रंथ में उन्होंने यह चीज को दिखाए, थोड़ी सी समय में जीव को ये चीज पता चल जाए ये सारे शास्त्र का निचोड़ क्या है। और जब ये चीज को पता चल जाए फिर क्या होगा, फिर वही चीज को हम आधार करके फिर साधन भजन कर सकते हैं। इसलिए जब श्री उत्तरा माता ने प्रश्न की परीक्षित महाराज को, मैं स्त्री चाहती हूँ, मेरे दिमाग में इतना दिन तक 7 दिन तक उन्होंने क्या कथा सुनाए, मेरे पल्लव में तुझे पढ़ो, इसलिए मेरे लिए मेरे लाइफ कुछ बात बता दो जैसे थोड़ी सी अंतर में समझ जाए। तब श्री नारद जी कहते, श्री परीक्षित महाराज जी कहते, भैया अगर मैं बताऊँ इस शास्त्र का निचोड़ है ये ब्रज भक्ति, और ब्रज भक्ति में श्री राधा रानी का जो प्रेम है ये सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा चीज नहीं, यही चीज है। क्या मैं डायरेक्ट बता दूं इसका निकुंज लीला ही सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, मेरे को स्टेज बाय स्टेज मेरे को बताओ क्यों एक भक्ति से दूसरे हैं, क्यों एक ज्ञानी भक्त से एक शुद्ध भक्त क्यों श्रेष्ठ, शुद्ध भक्त से ये प्रेमी भक्त क्यों श्रेष्ठ, ये प्रेमी से प्रेमातुर, इसलिए इस चीज को मेरे को बताओ। और लास्ट में जाकर के श्री महाराज जी बताए ना, उद्धव जी को उन्होंने प्रेमातुर भक्त में श्री उद्धव जी को ही वहां पर स्थापन किया, भक्त के अंतिम छोर कौन है, बोले श्री उद्धव। लेकिन ये उद्धव भक्तों का अंतिम छोर उनको पर नहीं, लेकिन ये उद्धव किस चीज को प्रार्थना करते हैं। लेकिन उद्धव जो ब्रज में आए और उनने गोपियों की प्रेम को देखा, कहते उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी आर बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए श्री उद्धव जी जब उसने ब्रज भक्ति को देखा अपने गोपियों की, फिर जब श्री राधा रानी की उन्होंने भक्ति देखी, इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई एक टोपी पहना हुआ हो, अगर कोई पहाड़ बहुत बड़ा ऊंचा हो, अगर उसको देखे तो कैसे जाएगा, ऐसे देखते 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 उसका जब टोपी है ना नीचे गिर जाएगी। कैसे उसी तरह उन्होंने उद्धव जी तो बड़े अभिमान को लेकर के आए थे, अरे ये गोपियों को खड्डा बेचने वाली, धरती मंथन करने वाली है, और ये इनको समझाना मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी सारी बात है। लेकिन उद्धव जी जब इनके प्रेम का दर्शन की, उद्धव जी से व्यक्ति की शकाचों तो हो गए, वो आश्चर्य में पड़ गए। लास्ट में क्या कहते हैं, आशा मोह चरण रेणु जुसा मान वृंदावन की गुलमल दो सदिना, वहां पर गुलमल का औषध रूप में प्रार्थना की। और लास्ट में कहते बंते नंद ब्रज सिना पाद रेणु अभिष्ट, राधा जी की चरण की एक धूल को उन्होंने प्रार्थना की। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते, अगर तुम ये ब्रज प्रेम को राग भक्ति का तुम अगर पाना चाहते हो, तीन चीज को तुमसे दूर रहना पड़ेगा, एक तो असत वार्ता से, दूसरी है मुक्ति से, और तीसरी है अपितक्त लक्ष्मीपति रति भी तो बहुने है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अगर लक्ष्मी के प्रति अगर तुम्हारी आसक्ति रही, फिर तो तुमको लेकर के वैकुंठ में जाने, खुद तुमको ब्रज में जाने नहीं देगा, तुमको लेकर वैकुंठ में बांध दे देगा। इसलिए हम वहां पर जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, अगर कोई बात को अगर बोलता है बात उसको फॉलो करता है, क्या पता चलता है, बोले भैया इसमें जरूर कुछ दम है। जैसे उद्धव जैसे व्यक्ति जब उन्होंने ब्रज भक्ति की महिमा को बताए, कृष्ण उद्धव जी को भेजे क्यों, कारण क्या, बोले कारण यही था अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कोई बात को बता देना, बोले भैया ये मोदी बोल रहा है जरूर कुछ ताकत है, ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर अगर बोल रहा है जरूर इसमें तो कुछ चीज है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो बोलेगा। इसलिए कृष्ण यही सोच रहे हैं एरे के व्यक्ति कोई बात को बोलेगा उसका कोई महत्व हम नहीं देंगे, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति कोई बात को बोलेगा, बोले भैया दम जरूर इसमें तो कुछ दम है, लेकिन तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब लक्ष्मी भी जब वैकुंठ की है रहने वाले जो लक्ष्मी नारायण की जो अंकल साहब लक्ष्मी, अगर वो अगर किसी बात चीज को पाने के लिए वो अगर कठोर तपस्या कर रहे हैं, बोले भैया जरूर इसमें कुछ दम है, ये नहीं तो लक्ष्मी क्यों, फिर लक्ष्मी की उसमें प्रवेश करने के लिए और आश्रम में प्रवेश करने के लिए वो किस लिए फिर प्रार्थना कर रही है। इसलिए महाप्रभु जब ये बात बोले करके वेंकट भट्ट के साथ डिस्कस ने किया, बोले तुम्हारी मेरे कृष्ण तो गोवा वो तो भैया चलाने वाली, और तुम्हारे तो स्त्री संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है नारायण है,
फिर उनकी अंगद रानी लक्ष्मी, फिर ये लक्ष्मी हमारे ग्वाल को पाने के लिए गैया को जो पीछे पीछे झोलने वाले इनको पाने के लिए क्यों कठोर तपस्या कर रही है? बोले आप इसे कहाँ से मिला है? बोले भागवत से मिला। बोले मैंने भी भागवत पढ़ा है, हमें तो कहीं मिला ही नहीं। फिर महाप्रभु जी उन्होंने बताए हैं दो तीन जगह में, तीन चार जगह में जब उन्होंने श्लोक उन्होंने उठाया, नाग पत्नियां क्या कहती हैं, हैं विहाय कामास सुचिरत नित प्रताप, उन्होंने वैकुंठ की कामना को छोड़ करके जहाँ हजार हजार लड़कियां जिनकी चरण की सेवा करती हैं वो कामना को छोड़ करके उन्होंने कठोर तपस्या कर रही है। कारण है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते अभी तक उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए। बोले क्यों? उन्होंने जो लक्ष्मी अभिमान महात्मा कह रहे थे ना, जन्म ऐश्वर्य श्री भी ये अभिमान से त्याग नहीं किए हैं। बोले सारे चीज को कंडीशन को स्वीकार कर दिए। बोले खड्डा पीड़ सकते हो कृष्ण? बोले बोले हाँ खड्डा तो पीड़ सकती हूँ। बोले दधी बंधन कर सकती हूँ? बोले हाँ कर सकती हूँ। बोले गोपियों घर में झाड़ू लगा सकते हो? बोले हाँ झाड़ू भी लगा सकता हूँ। बोले और एक काम कर सकते हो? बोले क्या? बोले जो शादी है ना मेरे साथ में नहीं, किसी गोप के साथ में तुम्हारी शादी होगी और मेरे को पर क्या उसमें प्रेस कर। बोले ये कैसे हो कि ये चीज मैं नहीं कर सकती हूँ और सारे काम करने के लिए प्रस्तुत हूँ, इसलिए नहीं कर पाई। इसलिए अभी तक भी उनको ब्रज में प्रवेश प्राप्त नहीं की। इसलिए लक्ष्मी जाने पर ये हमें शिक्षा मिलती है, अगर हमें ये ब्रज प्रेम को पाना तो हमें ये सब चीज को छोड़ करके रागानुगा होकर के महाप्रभु की धारा में रूपानुगत को होकर के अगर हम भक्ति करेंगे फिर ये ब्रज प्रेम हमें प्राप्त हो सकते। इसलिए एक बार गुरुदेव ने वहीं पर ये लेक्चर उन्होंने दिया था, ये लक्ष्मी से हमें शिक्षा। इसलिए हर समय देखा लक्ष्मी ऐसे करके बैठी, सब जगह पर देखोगे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वहां पर जाओ कैसे बैठे, हाथ जोड़ कर बैठे। वो भी ब्रज ब्रज में प्रवेश करने के लिए वो भी चाहती है। जब वो प्रवेश करने के लिए चाहती है शिक्षा देती है भैया ब्रज भक्ति जैसी दुनिया में कैसी बनती नहीं। इसलिए अगर वो प्रेम का अगर हम प्राप्त करते हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव एक समय ये बात बोलते हैं बोले बादशाह जब दरवेश कृपा से कि एक ऐश्वर्य भाव की उपासना और दूसरा है माधुर्य भाव की उपासना। ब्रज में ऐश्वर्य परिपूर्ण है,